हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सॉल्व द एग्जाम पेपर ऑफ एडवांस अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2020 राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसका ये फोर्थ क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको 31 मार्च 2019 को आर लिमिटेड का बैलेंस शीट गिवन है। Additional information is upon revaluation of the assets on 31st March 2019, it was found that the goodwill was worth and other assets were overvalued to the following extent: land and building by 1,28,000, plant and machinery by 1,76,000, a provision for doubtful debts to the extent of ₹16,000 was considered necessary. The following scheme of reorganization was sanctioned by the court: the creditors to accept 6% debentures to the extent of 50% of their claim. आपको जो assets given है उनको आपको revalued करना है। Next, reorganization scheme में जो कि court द्वारा sanction है उसमें क्या given है, that is the creditors to accept 6% debentures to the extent of 50%. creditors अपने 50% तक क्या लेना चाह रहे हैं, 6% डिबेंचर्स, और बैलेंस उनको 6 मंथ बाद में जो बचा हुआ है उसको पेड किया जाएगा। एंड द पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5 ईच, जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है उसको आपने ₹5 तक घटा दिया है। नाउ पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड टू ₹1 ईच, और इक्विटी शेयर को ₹1 तक घटा दिया है। Now the assets to be reduced to the revalued figures and the debit balance of the P&L account wiped off. Draft general entries to give effect of the above scheme and prepare the revised balance sheet of the company. Now सबसे पहले हमें general entries pass करनी है। This is the general of R Limited. अब आपको first information क्या given है कि जो creditors हैं उन्होंने 6% debentures को accept किया है। क्रेडिटर्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है कितने के, 6,40,000 के, फाइन। अब उसका 50% कितना हो जाएगा, 6,40,000 का 50% क्या हो गया आपका, 3,20,000, फाइन। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की क्या एंट्री हो जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स कम हुए हैं इसलिए आपने इनको डेबिट किया है, और इशू क्या किए गए हैं, डिबेंचर्स, फाइन। तो 6% डिबेंचर इशू टू क्रेडिटर्स फॉर 50% ऑफ देयर क्लेम इन रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम, ये एंट्री हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2019 को, फाइन। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड, जिसको आपको ₹5 तक और ₹1 तक कम करना है, फाइन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कितनी गिवन है, डैट इज 64,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ₹10 ईच के हैं, अब उसको ₹5 तक लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5, फाइन। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3,20,000, उसको आपने ₹5 तक कर दिया। और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1,92,000, और उसको ₹1 तक करना है, इनकी वैल्यू कितनी है, ₹5 माइनस 1, क्योंकि ₹1 तक रखनी है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ गई 768,000, जो कि कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, फाइन। पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड अंडर रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,200 का, इसको भी हमें कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितने से है, 3,200 से, ये एंट्री हो गई हमारी जनरल रिजर्व की। नाउ अब रिजर्व और सरप्लस में हमें क्या गिवन है, P&L अकाउंट, जिसका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, फाइन। ये नेगेटिव में है, डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
वैल्यू कितनी आ गई 2,88,000 की। फाइन, नेक्स्ट। अब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि गुडविल क्या हो गई है, वर्थलेस हो गई है, तो गुडविल पूरी रिटर्न ऑफ हो गई 4,48,000 की। तो गुडविल का हमने एंट्री कर दी है 4,48,000 से। नेक्स्ट है असेट्स जो ओवर वैल्यूड हुई है वो कितने की हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग हुई है 1,28,000 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी कितने से ओवर वैल्यूड है, 1,76,000 से। फाइन, नाउ अब एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹16,000 वाज कंसीडर्ड नेसेसरी। अब जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसकी कितनी लिमिट है, 16,000 रुपीज की। तो 16,000 से आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। लुक स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए वैल्यूज कहाँ से आएगी ये देखिए। फर्स्ट हमने एंट्री की थी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की यहाँ पे, और सेकंड क्रेडिट में एंट्री हुई है ये। तो टोटल कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट हो चुका है, डैट इज 1,08,000 प्लस 3,200। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 10,91,200। फाइन, अब इनमें से आपको ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 अमाउंट्स को लेस कर देना है, तो कैपिटल रिजर्व हमारा क्रिएट हो जाएगा कितने रुपए से, 35,200 रुपीज से क्रिएट हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है आपको अमाउंट, लॉस रिटर्न ऑफ एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। नाउ जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड हमने सारी एंट्रीज कर ली है। नाउ वी विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज पर 1 अप्रैल 2019, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल में क्या आ जाएगा, 64,000 के 6% प्रेफरेंस शेयर कितनी रेट पे इशूड है, 10 पे, यहाँ आ गया 6,40,000। 1,92,000 इक्विटी शेयर है 5 रुपीज ईच के, तो वैल्यू आ गई 9,60,000। ये तो हो गया हमारा इशूड कैपिटल में। नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। फाइन, अब आपने कैपिटल को रिड्यूस किया था कितने तक, प्रेफरेंस शेयर का किया था 5 रुपीज तक और इक्विटी शेयर का किया था 1 रुपीज तक, तो क्या लिखेंगे हम, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 64,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इच, पेड अप कितने कर दिए यहाँ पे 5 रुपीज क्योंकि आपने इसको रिड्यूस कर दिया था। 1,92,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज ईच 5 रुपीज और पेड अप कितना हो गया 1 रुपीज क्योंकि इसको आपने 1 रुपए तक घटा दिया, दैट मीन्स पेड अप 1 रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू ये आ गई। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें जो जनरल रिजर्व P&L अकाउंट सब हमने ट्रांसफर कर दिए थे कैपिटल रिडक्शन में, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, कैपिटल रिजर्व दैट इज 35,200। नाउ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में आपको 5% डिबेंचर्स पहले से गिवन है और 6% आपने अभी न्यूली इशू किए हैं। फाइन, जिसकी क्या थी, जनरल में की थी आपने एंट्री 3,20,000 से। नाउ 5% डिबेंचर्स क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में गिवन है 3,84,000 से। करंट लाइबिलिटीज जिसमें है ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अगेंस्ट हमने 6% डिबेंचर्स इशू कर दिए थे 50% पे और 50% का पेमेंट हमें आफ्टर 6 मंथ्स करना है, इसलिए जो रिमेनिंग थे, जो बैलेंस हमारा बचा है, उनको हमने यहाँ बैलेंस शीट में लिख दिया है 3,20,000 से। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, डैट इज 15,71,200। अब असेट साइड, नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टैंजिबल असेट्स में क्या आ जाएंगी, डैट इज लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी।
लैंड एंड बिल्डिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है 7,68,000 की, फाइन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपने ओवर वैल्यू कर लिया था कितने से, 1,28,000 से, फाइन। तो इधर बैलेंस कितना आ गया, 6,40,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए भी यही बोला गया है, ये तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है 7,20,000 माइनस ओवर वैल्यूशन कितने से हुआ है, 1,76,000 से, वैल्यू आ गई 5,44,000। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट असेट्स। करंट असेट्स में इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,28,000 से, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स में है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है 1,92,000 से, और आपने जनरल में एंट्री की थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कितने से, 16,000 से, तो लेस कर देंगे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 16,000 से, तो मेन में आ गया 1,76,000, फाइन। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल्स, वो कितने के हैं, 64,000 के, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। नेक्स्ट कैश इन हैंड, इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया आपने जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है 19,200। अब इसका भी टोटल आपका कितना आ गया है, 15,71,200।